प्रदेश विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल पर चौथी बार भाजपा ने भरोसा जताया है। प्रेमचंद अग्रवाल के नामांकन के समय उनके साथ हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद है। सल्ट विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश जीना ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा विधायक प्रत्याशी महेश जीना ने अपने समर्थकों के साथ रानीखेत तहसील में पहुंचकर नामांकन किया। उधर द्वाराहाट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनिल साही ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा ने सिटिंग विधायक महेश नेगी को का टिकट काटकर भाजपा ने नए चेहरे के रूप में अनिल शाही को मैदान में उतारा है। अंदर हुआ है उतना विकास कार्य के व्याप पे ही, और मैंने 6 महीने में जो अपने भाई के छूटे हुए कार्य को मैं पूरा कर पाया हूँ, उसी को लेकर मैं अभी 2022 के चुनाव में उतरा हूँ। और हमने इतना विकास कार्य किया है कि सल्ट के अंदर जहाँ एक भी सड़क का नामो निशान नहीं होता था, आज देखेंगे आप पूरे सल्ट में सड़कों का जाल बिछा है। तो अपने द्वाराहाट विधानसभा में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, इसको लेके पहले भी काफ़ी काम हुए हैं। द्वाराहाट में पहले दो डॉक्टर हुआ करते थे, आज 20 से 21 डॉक्टर हैं। चखुटिया में 2 डॉक्टर हुआ करते थे, आज 17 से 18 डॉक्टर हैं। काम बहुत हुए, लेकिन विकास जो एक सतत प्रक्रिया है। वही रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी में बगावत हो गई है। पूर्व मंत्री मातपर सिंह कंडारी को टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थक नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि अगर मातपर सिंह कंडारी को टिकट नहीं दिया गया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ, धुआं तब उठता है जब आग जलती है। तो गलत निर्णय होता है तो जनता में आक्रोश होता है। गलत प्रत्याशी जगह दिया जाएगा जो जनता की सेवा नहीं कर सकता है, जो गलत काम करता हो, जो गलत पर संगत में रहता हो, उसको प्रत्याशी बनाया गया, जनता उसे स्वीकार कैसे कर लेगी। अर्थात जनता के हित में काम करने वाले को ही हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। अल्मोड़ा सीट पर इस बार भाजपा ने सिटिंग विधायक रघुनाथ सिंह चौहान का टिकट काट दिया है, जिससे वो नाराज चल रहे हैं। रघुनाथ सिंह चौहान का कहना है कि वो अपने समर्थकों की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं और उनके ऊपर चुनाव लड़ने का दबाव है। दलदल में नहीं घूमना चाहते, जनता के सामने आप परीक्षा देते हैं, जनता जज का काम करेगी हमारे लिए। मैं लड़ूंगा, मेरे साथी लड़ेंगे। अभी हम कौन लड़ेंगे हमारे डिसाइड नहीं किया है, और वैसे तक जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे छोटे भाई ललित जी लड़ेंगे चुनाव, नौजवान हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं, उनको हम चुनाव लड़ाने आज बहुत सारे कम से कम आज बहुत से लोग थे। उधर यमुनोत्री विधानसभा से भाजपा और कांग्रेस से टिकट घोषित होते ही दोनों ही पार्टियों ने बगावत की स्थिति बन गई है। भाजपा से पूर्व राज्य मंत्री जगवीर भंडारी ने बगावत कर दी है तो कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पिछले चुनाव में रनरअप रहे संजय डोभाल ने पार्टी को अपना त्यागपत्र देकर 27 जनवरी को नामांकन करने का तय किया। यमुनोत्री के जनमानस के पास कल चिन्याली सौड़ में कार्यकर्ता मिलने आए थे, और वहाँ के जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता था, उनका कहना था कि हम आपके साथ हैं, हम कांग्रेस पार्टी आपने खड़ी करी थी, जो पार्टी आपकी नहीं हुई है तो वो हमारी क्या होगी। और आज हमारी बड़कोट में भी मीटिंग थी, इन मतलब कार्यकर्ता सारे मिलने आए थे घर पे, तो उन सभी का विश्वास पे और यमुनोत्री के जनमानस के विश्वास पे मैं यहाँ से जनता के बीच जाऊँगा।